तो हाँ जी मुंडियो, की हाल चाल है? थोड़ा स्वागत है भाई एफएस गेमिंग बाईटी यूट्यूब चैनल पे। तो आ चुके हैं आज मेरे पास एक ऑफर आया कि भाई मेरे को ना वीट की एक ट्रॉली है वो बेच के आनी है यार। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस गेम प्ले को। तो भाई फाइनली आज अपन खेल रहे हैं फार्मिंग सिमुलेटर 19। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे पास जॉन डियर का है, तो चलो आज आप लोगों को चलते हैं अपने इस जॉन डियर को भाई। तो जॉन डियर की पावर टेस्टिंग, वैसे उस ट्रॉली के अंदर तो ये नहीं झेल पाया, आई डोंट नो क्या चक्कर था, बट ये वाली ट्रॉली को क्या ये अपना ट्रैक्टर खींच पाएगा या नहीं, वो आप लोगों के सामने अभी आप लोगों को पता लग जाएगा। तो गाइस रेडी हो जाओ न्यू ब्लास्ट के लिए। तो फिलहाल अपना ट्रैक्टर क्या इसको खींच पाएगा? ओ भाई ये तो इसको भी खींचने में मुश्किल लग रहा है यार। क्या यार ये तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे, तो भाई जॉन डियर की बेइज्जती हो गई। शेट भाई ये जॉन डियर इस ट्रॉली को नहीं खींच पा रहा गाइस, इसके वेट भी काफ़ी ज़्यादा मैंने लगा दिया फिर भी ये इस चीज़ को नहीं कर पा रहा है यार, नहीं कर पा रहा है। इसको साइड में हटाते हैं, चलो अब दूसरा ट्रैक्टर नेक्स्ट वाला लेते हैं। इसको भाई साइड में हटाना पड़ेगा, आई एम सॉरी गाइज, बट अपना जो जॉन डियर है वो इस टारगेट में फेल हो चुका है, बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं चल रहा है। तो अब चलते हैं न्यू हॉलैंड का जो अपना 4x4 स्पेशल एडिशन है, इसके अंदर टेस्टिंग करते हैं क्या ये कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी अभी। तो चलो मैं तो सोच रहा था यार आज तो करके दिखा देंगे, बट अजी घंटा यहाँ पे तो अपना जॉन डियर तो फेल हो गया। और ये सीके भाई का मोड है, ट्रॉली है जो, तो और यहाँ पे इस ट्रैक्टर को भी देखते हैं। ओ भाई ये क्या हो गया भाई, ये तो यहाँ पे बुरी तरीके से इसकी भी हालत टाइट हो चुकी है और यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं कर पा रहा है कि क्या हो रहा है इसके साथ। तो यार क्या बताएं, अपने को लगता है सोनाली का ही सॉरी स्वराज ही अपना है वो कुछ करके दिखा सकता है, वरना भाई यहाँ से तो उम्मीदें ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल नए के बराबर। ये तो बड़ा दुख हो रहा है मेरे को, बट क्या करें अब कोई बात नहीं है। चलो अब इसको भी साइड हटाते हैं और भाई अपने दूसरे ट्रैक्टर ये वाले से तो क्या ही उम्मीद करेंगे, ये तो भाई इसके आगे बिल्कुल बच्चा सा, इसके आगे तो आई थिंक वेट भी नहीं है, बट चलो टेस्टिंग करके देख लेते हैं क्या होता है भाई, ये तो अभी पता लग जाएगा। बाकी हैवी है ट्रॉली यार, ये देखो भाई इसके भी आगे से टायर उठ चुके हैं, बिल्कुल सही देख पा रहे आप लोग। और यहाँ पे भाई ये जो अपना सोनालिका नहीं सॉरी न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन, जिसकी हालत भी टाइट हो चुकी है बिल्कुल, जी हाँ हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी है यहाँ पे, ये भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो क्या ही करे अब, क्या ही उम्मीद रख सकते हैं अब, अपना वही लेके आएगा रेड फायर। रेड फायर को मैं जल्दी से लेके आता हूँ आज के इस टेस्ट में, भाई रेड फायर ही जीतेगा। बाकी और भी मेरे पास मोड है, अगर आप लोग खास लाइक कर देते हैं तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, तो भाई जितना उसके उतना अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। तो चलो रेड फायर को लेके चलेंगे और क्या जी वहाँ पे। तो रेड फायर ने तो काफ़ी तबाही मचा दी है, क्योंकि ये लेके आ चुका है भाई, रेड फायर ने तबाही मचा दी है। वैसे इसकी HP वगैरह का सीन हो सकता है, आई डोंट नो गाइज, बट चलो यहाँ पे इसको बैक लगाते हैं और जल्दी से अनलोड करके उस ट्रॉली को भी लेके आएंगे जल्दी से। तो फिलहाल मैं इसको बैक लगा देता हूँ, तब तक आप लोग लाइक शेयर करते रहे। तो फिलहाल भाई ट्रॉली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लंबी थोड़ी सी 11 कितने फुटी आई डोंट नो, आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट कर दो भाई। ये मैंने फ़िलहाल यहाँ पे लगा तो दिए, वैसे थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई, बट कोई ना इसको तो मैं प्रॉपर तरीके से बैक चढ़ा दूँगा, इसको तो नहीं छोड़ूंगा मैं, इसको तो प्रॉपर बैक लगा के रखूँगा। ये लो भाई यहाँ पे हो चुकी है अपनी ट्रॉली बैक लग चुकी है, आई डोंट नो अभी रित क्यों नहीं रहे, मतलब खाली क्यों नहीं हो रही है, अरे खाली हो जा। तो यहाँ पे अपनी ट्रॉली है जी खाली होने लग गई है स्टॉक जल्दी से, और अब नेक्स्ट अपना जो अपनी जो ट्रॉली है ना उसको लेके आएंगे जल्दी से, क्योंकि उसकी पावर का भी तो पता लगाने अपने को। तो इस ट्रैक्टर की पावर का और पता लग जाएगा और उस ट्रॉली को खींच पाएगा या नहीं, वो एक देखने वाला सीन बनता है। तो चलो देखते हैं क्या वो पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, वो अब आपके सामने आ जाएगा। तो भाई जल्दी से चलो जल्दी से मैं इसको लेके चलता हूँ भाई, धुआं मुआ बहुत ज़्यादा ही, रेड फायर बहुत तेल पी रहा है, मतलब देखो धुआं कितना छोड़ रहा है भाई। ओ भाई क्या ही तेज़ रफ्तार से चल रहा है, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इसकी स्पीड वगैरह जिस भाई ने बनाया है HR23 गेमिंग ने भाई ने, तो इसकी भाई ने स्पीड वगैरह बहुत ज़्यादा तेज़ बजा रखी है यार, ये तो गाड़ी से भी ज़्यादा तेज़ चल रहा है, थोड़ा सा PC लैग कर रहा है कोई बात नहीं।
बट आप लोग शेयर करो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, और जो जो भाई शिवराज के फैन है उनके पास ज़रूर शेयर करना और उन तक इस वीडियो को पहुंचा देना भाई जैसे भी हो सके। तो फिलहाल मैं वापस आ चुका हूं अपने शॉप वाली जगह पे, तो चलो अब शॉप वाली जगह पे दूसरी ट्राली है उसकी भी टेस्टिंग करेंगे, उसको क्या ये खींच पाएगा या नहीं वो अब आप लोग इस वीडियो के अंदर अभी देखने वाले हो। इस ट्रॉली को तो इसने बक्सा नहीं, इसको मतलब खींच डाला, अब इसको देखते हैं क्या ये कर पाएगा, क्या इस चीज़ में जीत पाएगा, देखते हैं भाई। भाई एक तो जीत गया, अब दूसरी अब और देखते हैं क्या ये पॉसिबल हो पाएगा। ओ भाई ये थोड़े से ना ट्रैफिक बंद करना पड़ेगा, मेरे को लगता है ट्रैफिक बंद करना पड़ेगा तभी मज़ा आएगा। बाकी आप लोग बताओ कैसी लगी आज वाली ये जो अपनी जो पावर टेस्टिंग वाली वीडियो है, किस तरह लगी। अरे भाई के आगे भी वेट की ज़रूरत पड़ेगी, बट खींच पा रहा है बट ये इसको बक्सेगा नहीं। गाइस क्या ही बक्सेगा भाई ये, तो भाई इसको कोई बक्सने वाला नहीं है, काफ़ी हैवी टास्किंग वाला ट्रैक्टर है भाई। रेड फायर और किस किस का फेवरेट है जल्दी कमेंट करो गाइस। तो यहाँ पे भाई फुल एंड फाइनली रेड फायर जीत चुका है इस जंग को। तो इस वीडियो को जल्दी लाइक करो भाई, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इससे आगे की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों को जो एम दिया उसको ज़रूर पूरा कीजिए। तो फिलहाल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब